हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि जो विद्युत चुंबकीय पिंड की घटना है उसमें ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है। अब मैं इसके एक अनुप्रयोग और बताने जा रहा हूँ, जिसमें कोई भी रॉड यानी कोई भी चालक छड़ है, जब उसको हम घूर्णन कराते हैं तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, उसकी गणना कैसे करेंगे। समचुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती समचुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती चालक छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो हम मान लेते हैं L लंबाई की चालक छड़ OA समचुंबकीय क्षेत्र बी में ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन करती है। तो यानी क्या है कि ये एक चालक छड़ है, हम यहां पर चालक छड़ मान लेते हैं, ये इसका O है और ये यहाँ पर इसका A है, और ये चालक छड़ इस तरीके से तो इस चालक छड़ की ये जो लंबाई है वो L के बराबर है, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है, ब्लैक बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर। तो ये चालक छड़ को ऐसे रोटेट कर रहे हैं, यानी कि ये इस तरीके से मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। चालक छड़ का वेग हम यहाँ पर v के बराबर मान लेते हैं, ये इसका वेग v है जो भी। तो ये इसके लंबत है और यहाँ पर ऐसे चालक छड़ रखी हुई है, इसका ये ऐसे मूव कर रही है, तो इसका ये जो सिरा होता है वो स्थिर होता है, इसका कोई वेग नहीं है जो भी। तो ये इसका केंद्र है, आप ऐसे मान सकते हैं कि हम एक एल त्रिज्या का एक वृत्त बना रही है भैया। चालक चालक छड़ के ओ सिरे को स्थिर रखते हुए ओ सिरे को
ए सिरे को वेग वी घुमाया जाता है। तो इसका वेग वी है यहां पर, तो जैसा कि हम जानते हैं कि वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो हम इस क्षण को अनेक अल्पांशों में विभक्त हुआ मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहां पर एक ही अल्पांश है जो है, और इस अल्पांश की लंबाई मान लेते हैं भाई डीएल के बराबर होती है, ये आगे अल्पांश मान लेते हैं इसमें। चालक छड़ के अल्पांश अल्पांश डीएल में प्रेरित विद्युत वाहक बल DE इक्वल टू वी बी डी एल, जैसा कि हम जानते हैं फॉर्मूला कि इसका भाई वी बी डी एल होता है। तो एल एल के स्थान पर हम यहाँ पर डी एल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इक्वल टू वी इक्वल टू एल ओमेगा, तो जैसे आर ओमेगा होता है तो आर ओमेगा के स्थान पर एल ओमेगा, तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा बी एल डी एल, ये इक्वल टू डी ई। अब हम इसकी पूरी क्षण में देखें, संपूर्ण क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो डी के स्थान पर हम इसको ई लिख लेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा देंगे ओमेगा बी एल डी एल और जीरो टू एल, अधिकतम इसकी लंबाई हम कितनी इसकी एल के बराबर है जो इसके अंदर, तो ये इक्वल टू ओमेगा बी एल स्क्वायर अपॉन टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो टू एल, और ये है आपका ओमेगा बी, और ये यहाँ पर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन टू, सो ये इक्वल टू ओमेगा बी एल स्क्वायर अपॉन टू, ये इक्वल टू ई। तो आप इसमें देख लेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो छड़ की लंबाई के वर्ग के समानुपाती होता है। अब इसमें जो ये जो सिरा होगा इसका ओ, वो सिरा इसका पॉजिटिव होगा धनाविशत होगा, और ए सिरा इसका ऋणात्मक होगा। इसमें प्रेरित धारा जो होगी वो ए से ओ की तरफ होगी जो है, क्योंकि हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई करके देख सकते हैं कि प्रेरित धारा जो आएगी वो इस तरीके से इसके लंबवत आएगी। जो चालक छड़ में प्रेरित धारा ए से ओ की ओर होगी छड़ का ओ सिरा धनात्मक तथा ए सिरा ऋणात्मक आवेशित होंगे। अब इस जो चुंबकीय क्षेत्र है यहां पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल लिखा है एक, इसको अन्य रूप के अंदर भी इसको लिखा जा सकता है जो ये
ऋण रूप में कैसे लिख सकते हैं, आपका जो ओमेगा है इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू टू पाई एन बी एल स्क्वायर अपॉन टू, ये हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू टू पाई एन। एन यहाँ पर क्या है, आवृत्ति। छड़ को जब रोटेट करेंगे तो वो किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी से रोटेट होगी, जो है इसमें तो इसमें दो से दो इसमें काट सकते हैं, और इसको हम ऐसे कर दें बी एन पाई एल स्क्वायर, सो बी एन पाई एल स्क्वायर ए, ये इक्वल टू ए, जहाँ ए इक्वल टू पाई एल स्क्वायर, क्योंकि जब छड़ रोटेट करेगी तो वो एक वृत्तीय मार्ग को फॉलो करेगी, तो उस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो ये है इसमें। वृत्तीय पथ का क्षेत्रफल। अब आप देख सकते हैं कि ये किन किन घटकों पर निर्भर करता है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की निर्भरता। पहला E प्रोपोर्शनल टू B, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के सीधा ही समानुपाती होता है। दूसरा E प्रोपोर्शनल ओमेगा, कोणीय वेग, जितनी तेजी से आप इसको घुमाएंगे इससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना ही ज्यादा होगा इसके अंदर। और थर्ड है E प्रोपोर्शनल L स्क्वायर, छड़ की लंबाई के वर्ग के समानुपाती होता है, तो अगर आपने छड़ की लंबाई को दुगना कर दिया तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान इसमें चार गुना हो जाएगा, तीन गुने अगर छड़ की लंबाई कर दी तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल पहले का नौ गुना हो जाएगा। तो यानी क्या है कि छड़ की लंबाई बढ़ाने से प्रेरित विद्युत वाहक बल पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से चालक छड़ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र, चालक छड़ के कोणीय वेग और उसकी लंबाई, तीनों पर डिपेंड करता है। इससे संबंधित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि जो साइकिल का पहिया होता है उसमें ताड़ियाँ होती हैं बहुत सारी, तो आप यूँ मान लो कि आप एक साइकिल के, खैर चलो ये टॉपिक थोड़ा सा आगे आएगा, मैं आपको अभी इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि चालक छड़ से संबंधित है और वो एक डिस्क से संबंधित है, एक डिस्क को रोटेट करते हैं तो उसमें किस तरीके से होता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स को जो कि 12th में पढ़ते हैं उनको वीडियो को अधिक से अधिक भेजें, भाई इससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।